फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं झटपट से बनने वाला बहुत ही अमेजिंग सा नाश्ता। ऐसा नाश्ता जिसमें ज्यादा तामझाम नहीं है, बहुत ही इजी रेसिपी है। आप जरूर देखिए, बनाइए और खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए और सभी लोग खुश रहिए। तो इसे बनाएंगे हम चने की दाल से, प्रोटीन से भरपूर चने की दाल से, जो आपको हर किचन में आसानी से मिल जाती है। और ये दाल ऐसी होती है कि बच्चे खाने में नखरा करते हैं और ये दाल हमेशा बच जाती है। अरहर वगैरह की दाल तो खत्म हो जाती है, लेकिन चने की दाल बहुत ही कम लोग बनाते हैं। तो बची हुई चने दाल को अब यूज करने का टाइम आ चुका है, निकाल लीजिए फटाफट और आज बनाइए मेरे साथ एक अमेजिंग सा नाश्ता जो मैं बनाने वाली हूँ। और इसीलिए मैंने लिया है 250 ग्राम दाल, जिसको मैंने अच्छे से भीन कर और फिर इसको वॉश करके भिगो कर रख दिया था आधे घंटे तक। करना जरूरी है, तभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फिर इसका सारा पानी मैंने रिमूव कर दिया है, बस इतना ही काम हमें करना था। और अब हम क्या करेंगे, एक छोटा वाला मिक्सी का जार लेंगे और इसमें हम डालेंगे अपनी 90% दाल और 10% दाल को हम छोड़ देंगे। और आप लोग सोचेंगे छोड़ना क्यों है दाल को, तो उसका भी आपको बाद में रीजन में बताऊंगी। तो बिल्कुल भी पानी नहीं जाना चाहिए, विदाउट वाटर आपको पीसना है बस। तो 90% मैंने ले लिया है, 10% दाल के टुकड़ों को मैं इस तरह से छोड़ दूंगी, बस इतने ही। और अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा टुकड़ा अदरक का, देखिए कितना बड़ा है। और इसको मैंने छिकले को नहीं निकाला है, छिकले में बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट होता है, आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आप एक बार छिकले सहित बनाकर दिखाइए, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये मैंने डाल दिया। अब इसमें मैं डालूंगी नमक, और नमक डालेंगे आधा चम्मच, झटपट से डालेंगे नमक। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, जीरा हमें ज्यादा नहीं डालना है, देखिए इतना डालेंगे, आधा चम्मच, बिल्कुल भी पानी नहीं, जरा भी बिल्कुल भी वाटर नहीं डालना है। और अब हम इसे पीस लेंगे और इसे बिल्कुल दरदरा पीसेंगे। तो पीस के लेके आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, दाल को मैंने दरदरा पीस लिया है और अब मैं इसे फटाफट अब एक बर्तन में निकाल लूंगी इस तरह से, और इसे निकाल कर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने निकाल लिया है, और अब जो बची हुई दाल हमारी थी उसका हम पानी निकाल कर इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, पानी को हटा देंगे। और इस तरह से अब हमने मिला दिया है, नमक हमने पहले डाल दिया था, अब इसमें हम डालेंगे अपनी प्याज। और प्याज डालने के बाद अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें अजवाइन आधा चम्मच, आधा चम्मच कास्तूरी मेथी इस तरह से, और आधा चम्मच सौंफ, मोटी वाली सौंफ डालनी है। और मसालों में हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच तक, ताकि बढ़िया टेस्ट बने, टेस्टी सॉरी। और टर्मरिक पाउडर आधा चम्मच, और इतना डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे इसे। और प्याज को मोटा मोटा कट करना है। और अब हमें क्या करना है, इसमें हम डालेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, और वो है हमारा चावल का आटा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पे सूजी को बारीक करके डाल सकते हैं। और इस तरह से हम डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, और अब हम इसे अच्छे से हाथों से मिलाएंगे, चम्मच को कर देते हैं साइड में और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से देखिए, तो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाकर खाएंगे। और इस तरह से हमने इसे मिक्स कर लिया है, और अब हम अपने हाथों को वॉश कर लेंगे। हाथों को वॉश करने के बाद ही हम आगे का काम करेंगे। तो हाथों को वॉश कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड तेल को मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, और हाथों को भी वॉश कर लिया है। अब हम इसका थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेंगे इस तरह से, और हम इसे इस तरह से सर्कल, गोल सर्कल में बनाएंगे इस तरह से, राउंड राउंड करके प्यारा सा इस तरह से। और इस तरह से प्याज के जो लच्छे होंगे वो इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि मैं क्या बताऊँ। इस तरह से प्यारे प्यारे से, बिल्कुल बेसन के लड्डू की तरह इसका हमें आकार देना है। आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं, मुझे ये पसंद है तो मैं ये इस तरह से बना रही हूँ। और फिर इसके बाद इसको हल्का सा हाथों से प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें प्याज है तो इसलिए प्रेस करना ज़रूरी है। और इस तरह से हम बनाएंगे, देखिए मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। हथेलियों के बीच में थोड़े से मिश्रण को लीजिए और इस तरह से थोड़ा सा शेप दीजिए पहले इस तरह से, और फिर इसे प्यार से हल्के से प्रेस कीजिए इस तरह से। और ये देखिए हमारा बन गया है। इस तरह से हम अपने सारे बना लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं।
तो फ्रेंड ये लास्ट वाला भी प्यारा सा बना लिया है मैंने, ये देखिए, और इस तरह से ये रेडी हो चुके हैं। आप चाहे तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं, जब आपका मन हो, मेहमान आए तब फ्राई कीजिए, लेकिन मैं आपको इसे फ्राई करके दिखाऊंगी। इससे पहले भी मैं बना चुकी हूँ और मैंने खा भी लिया है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो चलिए बनाते हैं गैस पे। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था, और माइंड मत कीजिएगा इसी तेल में मैंने पहले वाले भी बनाए थे जो इससे पहले मैं खा चुकी हूँ, और ये मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। तो इसी तेल में बना दूंगी और फिर मैं साथ ही में इसको वॉश कर लूंगी कढ़ाई को, इससे टाइम की बचत हो जाती है और हमें बर्तन भी कम धुलने पड़ते हैं। तो इस तरह से अब हम इसमें डाल देंगे ये अपनी प्यारी प्यारी सी बॉन्स, देखिए। और गैस के फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है अब, और इस तरह से डालने के बाद हमें इसे बिल्कुल भी टर्न नहीं करना है। साइड को चेंज कर देंगे और अब इसे हम घड़ी देख कर 3 मिनट पकाएंगे। मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और अच्छे से क्रिस्पी होने तक पकाना है हमें। तो फ्रेंड देखिए कितना बढ़िया कलर आ चुका है, देखिए बिल्कुल कलर चेंज हो चुका है और अच्छे से ये पक गए हैं। अब हमें इसे फटाफट पलट के हाई फ्लेम पर 10 सेकेंड पकाना है, तो ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए अंदर तक। तो इस तरह से हम अब हाई फ्लेम पर इसे घड़ी देख कर 10 सेकेंड पकाएंगे, 10 सेकंड तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे, बिल्कुल कुछ देर तक। 10 सेकंड तक मैंने पका लिया है, अब इसके बाद मैं इसको इस तरह से निकाल लूंगी। देखिए एको भी फटे नहीं है, एको का भी सेब भी बिगड़ा नहीं है, और सभी प्यारे प्यारे से बनकर रेडी हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है। इस तरह से हम इसको डाल देंगे इसके अंदर, थोड़ी देर इस तरह से रखेंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसी के अंदर वापस चला जाए, और बस ये रेडी हो चुके हैं। इसी तरह आप ढेर सारे बना सकते हैं अगर आपकी फैमिली लंबे हो, और मैं इसे बना के खा चुकी हूँ, इतना मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। और अब मैं इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ।